उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज में अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री मलिक कमाल यूसुफ की अगुवाई में आयोजित इस प्रदर्शन में प्रशासन की जमकर आलोचना की गई। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रशासन गरीबों को परेशान कर रहा है, ठेला लगाकर अपनी जीविका चलाने वाले लोगों को उजाड़ दिया। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इरफान मलिक ने कहा कि अतिक्रमण हटने से गरीब लोगों की जीविका चला जाएगा, ये सब बसपा के गुंडों के इशारे पे हो रहा है। अगर प्रशासन अतिक्रमण अभियान हटाओ नहीं रोका तो जेल भरो आंदोलन करेंगे। पेश है सिद्धार्थ नगर के संवाददाता मोहम्मद आफाक की खास रिपोर्ट। संकेतिक हम लोगों का एक 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 सभा छोटी सी है, ये तो एक संकेत है कि भाई आप जो है समझ जाओ, गरीब आदमी को जिंदा रहने दो। ये कोई बहुत बड़ी नगर पालिका तो है नहीं, एक गांव है। हम लोगों ने पाप किया था क्या इसको नगर पंचायत बना करके? इसलिए नहीं नगर पंचायत इसको हमने बनवाया था कि ये नगर पंचायत जुल्म का अड्डा बन जाए, और इसीलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और एक संकेत दे रहे हैं, लोगों को सुझाव दे रहे हैं, गरीब आदमी को जिंदा रहने दो। आपकी सड़क अतिक्रमित हो रही है तो थोड़ा इनको पीछे कर दो, इनको जीने दो, खाने दो, क्या ये डाकू हो जाए क्या? जो ये अतिक्रमण के नाम पे जो इनको उजाड़ा जा रहा है, इसका विरोध प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया शिवपाल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कर रही है। उसी के अंतर्गत जो डुमरियागंज में हो रहा है, खास तौर से बहुजन समाज पार्टी के द्वारा चुने गए अध्यक्ष जो हैं, जो अध्यक्ष ने यहाँ पे, क्योंकि देखिए कोई नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, तो उसका पूरा अधिकार जो है वो प्रधान को होता है। नगर पंचायत में पूरा अध्यक्ष जो अधिकार है वो अध्यक्ष को होता है, और अध्यक्ष के बगैर हस्ताक्षर के, बगैर अध्यक्ष के मर्जी के, या जो भी अतिक्रमण हो रहा है, गरीबों को जो उजाड़ा जा रहा है, वो नहीं हो सकता था। तो इसका पूरा जो है वो बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वो आज तक क्यों नहीं आए इन गरीबों को हाल चाल लेने के लिए, इनको उजाड़े जा रहे हैं? तो इसमें बहुजन समाज पार्टी की पूरी तरह से साजिश है, और बहुजन समाज पार्टी के लोग जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, डुमरियागंज के सारे लोग जानते हैं कि बसपा के लोग जो है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो गरीबों को नहीं जीना देना चाहते हैं, कभी उनसे ठेला से वसूली करते हैं, कभी कुछ करते हैं, जब वो सारी चीजें बंद हो गई तो उनकी एक साजिश करके कि इनको उजाड़ दो, ये अन्याय जो कर रहे हैं, हम इसका विरोध करने के लिए माननीय कमाल यूसुफ मलिक साहब के नेतृत्व में, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के आदेश पे, माननीय आदित्य जी के आदेश पे, हम डुमरियागंज में ये धरना प्रदर्शन सांकेतिक कर रहे हैं, और ये सांकेतिक है। अगर ये नहीं रुका तो विशाल रूप से लेकर के हम लोग बड़ा धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन का की योजना बनाएंगे।